नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ और मैं हूं निधि मिश्रा। अब ट्रैफिक रूल्स को अनफॉलो करने वालों पर सरकार की टेढ़ी नज़र है। जी हाँ, इसी क्रम में सरकार ने ट्रैफिक नियम का संशोधन किया है। इस नियम में कई तरीके के बदलाव किए हैं। ये बदलाव इस तरह हैं कि अब वाहन चालक का चालान कटेगा तो उसको भारी भरकम चालान राशि जमा करनी पड़ेगी। अब सरकार ने इस तरीके की रूल्स, इस तरीके के रेगुलेशन तो लगा दिए हैं जनता की भलाई के लिए, लेकिन जनता इसके बारे में किस तरीके से सोचती है, जनता की क्या प्रतिक्रिया है, जनता क्या कहना चाहती है, उनको ये चीज़ सही लगती है या गलत लगती है, कई कई तरीके के विचार होते हैं जनता के, किस तरीके के विचार हैं जनता से, आइए जानते हैं कैसा रूल लग रहा है, सही है गलत है। रूल्स तो मैडम देखिए, मोटर व्हीकल का सख्त तो होना चाहिए। अगर लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं उनको जागरूक होना चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए और भी जो है वो कड़े होना चाहिए। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जो इसमें जो चार्जेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर कोई पेनल्टी है उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा है, वो बस कम होना चाहिए। कितना चालान कटा? 1000 रुपये का मैम। क्या जुर्माना, किस तरीके का लगाया गया, क्या किया था आपने? नहीं मैम, वो तो गलती हमारी थी, उसमें हमारे पास हेलमेट नहीं था, उसके चक्कर में था, वो तो हमने एक्सेप्ट किया। उसके बाद मेरे पास गाड़ी के पेपर नहीं थे, मैं घर पर भूल गया था, उसके चक्कर में उन्होंने कह दिया 10000 रुपये जुर्माना कटेगा, आपके पास गाड़ी के पेपर नहीं। मैंने समय मांगा, इन्होंने समय मुझे नहीं दिया, मेरा 10000 का जुर्माना काट दिया। क्या चाहते हैं सरकार से कि समय देना चाहिए, रकम कम करनी चाहिए? ये चाहते हैं कि ये 10000, गाड़ी की कीमत ही 10000 की है मैम, और 10000 का जब जुर्माना कटेंगे तो इंसान इतने पैसे कहाँ से लेके आएगा? 1000 रुपये कमाने की तो आदमी की दम निकल जा रही है। इस टाइम इतनी महंगाई चल रही है, इतनी महंगाई में 10000 का जुर्माना कटे और कटने वाले फिर गाड़ी छोड़ के जाना पड़ेगा, मेरा सीज हो जाएगी आपकी गाड़ी, इतना समय ये लोग दे नहीं रहे। सरकार ने जो भी यानी ये नियम लगाए हैं, जो भी नियम लागू किए हैं सारे सही हैं, और मैं मानता हूँ कि होना भी चाहिए हर किसी, जैसे भी ये एक्सीडेंट वगैरह के लिए बहुत सारे रूल्स हैं, बोलो अच्छी बात है सरकार इन चीज़ों पर गौर दे रही है। मगर सरकार जो मतलब गौर देना चाहिए, जैसे कि इतने सारे रोड हैं, खच्चे हो रहे हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ ट्रैफिक हो रहे हैं, उन पर कोई गौर नहीं है, इतने सारे एक्सीडेंट होते हैं गड्ढों की वजह से, उन पर क्यों नहीं फोकस है? मैं तो ये कहता हूँ बिल्कुल ठीक है अपना कर रहे, तो फोकस उस जगह पर भी देना चाहिए जिस जगह पर आप देख रहे हो इतने सारे गड्ढे हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो सरकार का जोर मतलब उस जगह पर क्यों नहीं है सरकार? तो जो मेन मुद्दा है यहाँ पर सबसे ज़्यादा रकम को लेकर, जो चालान की जो रकम बढ़ाई गई है उसको लेकर है। यहाँ पर कई लोग और भी मौजूद हैं। सर बताइए कि आपका कभी चालान कटा? मेरा चालान 2 बार कट चुका है, पर मुझे एक ही दिक्कत है, किसी आदमी का शनिवार को बीमा ख़त्म होता है, अगर वो संडे की छुट्टी है बीमा कैसे कराएगा? अगर मंडे होता है, अकस्मात वाली बात है कि अगर संडे को उसकी गाड़ी पकड़ी जाती है तो वो 2000 क्यों भुगते? हालांकि मैं बीजेपी का और सब चीज़ों में पालन करने वाला हूँ, मैं बीजेपी का समर्थक हूँ हर चीज़ में, पर ये चीज़ मेरे समझ से दिमाग से बिल्कुल बेकार। सरकार बीजेपी सरकार से खफा चल रहे हैं आप? इस चीज़ पर हूँ, इस चीज़ पर हूँ। पुलिस वालों ने धंधा बना रखा है और कुछ नहीं है, इनकी रोजी रोटी चल गई है पुलिस वालों की, और कुछ नहीं हुआ है। भाजपा के राज में इनकी जमलो उड़ के लग गई है इस टाइम पे, पुलिस वालों की पुलिस इस टाइम पे किसी की नहीं सुन रही है। क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से ये चाहते हैं कि आप जितना आपने जो जैसे गाड़ी के अगर पेपर नहीं होते हैं, पेपर नहीं होते तो थोड़े अपने नियम बदले, जैसे गाड़ी की कीमत 10000 की है तो आप 10000 का चालान काट दे रहे हो, उस बंदे के पास नहीं है इस टाइम पे कारोबार वगैरह सब टूटा हुआ आदमी है, गाड़ी वो छुटाएगा कि अपने परिवार को देखेगा क्या करेगा? लेकिन ये भी है नियम में कि अगर आपके पास इंश्योरेंस पेपर नहीं है या कोई भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपको, तो 15 दिन का समय दिया जाता है, उन 15 दिन में आपको वो डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं। पर पुलिस वाले तो इस चीज़ को नहीं मानते हैं, पुलिस वाले तो इस चीज़ को नहीं मानते हैं। पुलिस वाले अलग से पैसा मांगते हैं, किस तरीके की समस्या है? तो मांगेंगे, उनका तो धंधा है, शुरू से धंधा है, 50 दे जाओ 500 का चालान ले जाओ, 1000 दे जाओ 100 दे जाओ। पुलिस वालों में कोई बदलाव नहीं आया? बिल्कुल नहीं है, प्रशासन में कोई बदलाव नहीं है, व्यवस्था में कोई भी बदलाव नहीं है, पुलिस वाले अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। आए हम 3-3 हेलमेट लेकर, अभी मैं अकेला हूँ, एक हेलमेट लेकर डोला, मेरी वाइफ का अलग है, मेरे बच्चे का अलग है, माता जी आती है उनका अलग है, सबका अलग है, एक गाड़ी है पूरे घर में, पर हेलमेट 3-3 है। क्या कहेंगे सर, कैसा है नियम, किस तरीके के बदलाव होने चाहिए? बदलाव तो अच्छा है, बट इसका प्लस पॉइंट भी है और निगेटिव भी है, इसका मिस यूज भी पुलिस वाले करते हैं। किस तरीके का मिस यूज किया? मिसयूज है कि चलान कुछ है अननेसेसरी, जैसे हम सही जा रहे हैं, सब कुछ डॉक्यूमेंट है, फिर भी रुक कर डिस्टर्ब करना, चेक करना, तो रुक के किस तरीके का डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, कहाँ पर आपको डिस्टरबेंस क्रिएट किया इस तरीके का किसी पुलिस वाले? हाँ कई बार हुआ है मेरे साथ, ऑलवेज मैं जाता हूँ तो कई बार मैं प्रॉपर जाते रहता हूँ, फिर भी वो रुक देते हैं, फिर डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, जिसके पास फिर भी दिखाता हूँ फिर ठीक है जी,
तो मुझे लगता है अननेसेसरी जब इनका मूड होता है पुलिस वाले का, कभी भी रोक दो, चेकिंग स्टार्ट कर दो, ऊपर से इनका जो है मुझे लगता है करप्शन है ही इनमें, है ना। और ये कोई तरीका नहीं है कि इस तरीके से चालान ठोका जाए। मैं मानता हूँ कि हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है, पेनल्टी लगनी चाहिए, बट ये नहीं है कि इतनी ज़्यादा पेनल्टी होगी उसके सब कपड़े उतर जाएँ, समझ रहे हैं। कोई गरीब आदमी है, कोई अमीर आदमी है, अमीर आदमी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसके पास बेचारे की आमदनी 10,000 रुपये है और उसमें आप 15,000 रुपये का चालान ठोक दो, पहले उसे एक मौका देना चाहिए। और जिसके पास अगर जो चालान की जो रसीद है, चालान का जो आप पेनल्टी जो लगाई जा रही, लेकिन सरकार ने 15 दिन का समय दिया है कि आप अपने डॉक्यूमेंट 15 दिन में जमा कीजिए और आपके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का चालान नहीं कटेगा, ये भी संशोधन में। ये बात कह रहा हूँ कि मैडम क्या है, जो हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे एक्सीडेंट जो होते हैं वो बहुत सही है, सरकार का ये चीज़ मैं मानता हूँ, ये मैं मानता हूँ हेलमेट पहनना ज़रूरी है ताकि एक्सीडेंट हो। सरकार ये अच्छा कर रही है, नाबालिग को भी गाड़ी ना दें हम, वो भी अच्छा कर रही है, पर ये है कि आदमी को मौका देना चाहिए सुधरने का, धीरे धीरे पेनल्टी को बढ़ाया जाना चाहिए, ना कि ये है कि आप एकदम ही पेनल्टी लगा दी जाए आदमी के ऊपर के उसके पास पैसे ही नहीं है पेनल्टी देने के लिए, कहाँ से पेनल्टी देगा बताइए मेरे को, आप कहाँ से पेनल्टी देगा बताइए, मैं रोटी खाएगा कि पेनल्टी देगा उसके अंदर, आप बताइए मेरे को भाई। मैडम मेरे को ये बताओ कि रोटी खाए या पेनल्टी दे, उसको मौका देना चाहिए उसको। बाकी ये है कि हेलमेट पहनना मैं मानता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, लोगों को हेलमेट लगाना चाहिए। और जैसे कि कमलनाथ जी ने MP में कर रखा है कि जो पेनल्टी है 1,000 रुपये की हेलमेट की, तुरंत की तुरंत हेलमेट देंगे वो, ऐसे यहाँ पे भी सरकार को करना चाहिए है? ये तो ये है कि जैसे भाई पेनल्टी ठोक दी 20,000 रुपये की, आमदनी 10,000 की, आदमी के कपड़े उतर गए, आदमी कहाँ से लेके आएगा। सरकार को तो सोचना चाहिए भाई, सरकार को तो बिल्कुल सोचना चाहिए ना कि बिल्कुल ही नंगा कर दोगे आदमी को आप। देखा आपने कि जनता की अलग अलग प्रतिक्रिया थी, किसी को ये जो नियम नया आया है वो किसी को सही लग रहा है, किसी को गलत लग रहा है, खासकर ज़्यादातर लोगों में इस बात के लिए गुस्सा है कि जो धनराशि है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है, जो धनराशि का जो उनका मूल्य है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, इसको लेकर जनता लगातार इसका विरोध कर रही है। विरोध के साथ साथ सरकार से ये मांग भी कर रही है कि रकम को कम किया जाए, और अपनी पसंदीदा BJP सरकार के इस बात के विरोध में भी है कि ये यातायात का नियम उनको कुछ समझ में नहीं आया है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि जो सरकार ने जो नियम लागू किए हैं वो एक हद तक सही हैं, लेकिन रकम को लेकर वो बहुत ही नाराज़ नज़र आ रहे हैं, नाखुश नज़र आ रहे हैं, अपनी सरकार से ये बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं कि कृपया करके धनराशि की जो रकम है, जो चालान कटने के बाद जो धनराशि की रकम है उसको कम किया जाए, उनको थोड़ी तरीके की राहत दी जाए। इस तरीके की जो जनता है वो अपनी सरकार से ये मांग कर रही है। कैमरामैन राहुल के साथ निधि मिश्रा, C News आगरा। We'll be right back.